कल बोला है दे दे। मैंने 6 रुपये तो 200 रुपये में। ये देखिए मैं किस तरह वॉलेट लाइन के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर एजे, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी के टाइम में आप सभी देख सकते हो कि मेरे चैनल पे मेट्रो से रिलेटेड काफ़ी सारे व्लॉग्स अपलोड हो रखे हैं, बट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं उन सारे व्लॉग्स में देखता हूँ कि ये क्वेश्चन तो भाई पूछा गया ही है। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी को उन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के भाई कोई पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप सभी को अच्छा लगे। उससे पहले आप सभी वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कीजिएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, क्या हमें मेट्रो चेंज करते टाइम टोकन फिर से लेना पड़ता है? तो इसका आंसर भाई नहीं, आप सभी को मेट्रो चेंज करते टाइम कोई टोकन नहीं लेना पड़ेगा फिर से। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम मेट्रो चेंज कैसे करें भाई, इससे रिलेटेड मतलब हर व्लॉग्स पे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेट्रो चेंज करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसका तो मैं आप सभी को मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप सभी मेट्रो को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज मैं चेंज करूंगा ब्लू लाइन से वॉलेट लाइन में, मतलब कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन जाऊंगा मैं और वहां से आप सभी को मैं मेट्रो चेंज करके दिखाऊंगा कि आप सभी बिल्कुल ईजिली मेट्रो चेंज कैसे कर सकते हो। और हाँ, टोकन नहीं लेना है चेंज करते टाइम फिर से। आप सभी मतलब जो अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ से आप चालू कर रहे हो वहाँ से लेकर डायरेक्ट एंड तक लोगे, बीच में आप सभी चेंज के टाइम कोई टोकन आपको नहीं लगेगा। तो आइए चलते हैं ब्लॉग में आगे। अभी मैं जाने वाला हूँ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और वहाँ से आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे मेट्रो को चेंज करना है। तो अभी जो है मैं पहुँच चुका हूँ उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम पहले जाएंगे ब्लू लाइन से मंडी हाउस, फिर वहाँ मैं आप सभी को मेट्रो को चेंज करके दिखाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मेट्रो पास में पैसे भराते हैं, तो तेरे में तो है 160 रुपये हटाइयो। मैंने 6 रुपये 200 रुपये में। एक बार अगर कैमरा चालू हो जाए ना जल्दी बंद नहीं होता, पता है तेरे को? हाँ, एक बार चेक करने थे पहले क्या कितना है पैसा। -6 रुपये तो थे भाई पहले, 194। तो जो मेरे घर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है वो है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन। आपके घर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आया है, इसका नाम भी अभिषेक है और मेरा नाम भी अभिषेक है, सेम। और यहाँ पे काफ़ी टाइम भीड़ तो रहता है हमेशा। तो मेट्रो रुक चुकी है अभी। तो अभी जो हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जो है येलो लाइन के लिए चेंज होता है। तो अभी आप सभी देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और अब मैं आप सभी को यहाँ से मेट्रो को चेंज करके दिखाऊंगा वॉलेट लाइन में। आप सभी मेट्रो के चेंज करते टाइम ना एक बात ध्यान रखें कि आप अभी कौन से लाइन पे चल रहे हैं और आपको कौन से लाइन में चेंज करना है। आपको ना उस लाइन के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने अभी ब्लू लाइन से एक्सिट किया, अब मुझे वॉलेट लाइन के फुटप्रिंट्स या फिर एरोज़ को फॉलो करना है। आप सभी कहीं भी चेंज करें तो आप सभी को जिस लाइन में आप चेंज करने वाले हैं वहाँ के एरोज़ को फॉलो करना है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉलो करना है। तो जैसे मैंने यहाँ ब्लू लाइन से एक्सिट किया, अब देख सकते हो वॉलेट लाइन इधर से चलना है, हमें ऊपर जाना है ना। तो अभी स्टेयर से जा रहे हैं ऊपर और उसके बाद वहाँ के जो एरोज होंगे उसको फॉलो करना है। आप सबको दिखाता हूँ अभी। तो हमें चलना है उधर, देख सकते हो हम लोग बोर्ड कश्मीरी गेट की तरफ और इधर आप सभी देख सकते हो यहाँ आप सभी को एरो बता रहा है
कि कश्मीरी गेट के लिए आपको वॉलेट लाइन इस साइड मिलेगी। ये देखिए मैं किस तरफ वॉलेट लाइन के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे ले जाएगा कश्मीरी गेट की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे फुटप्रिंट्स, तो आपको जो है वॉलेट लाइन वाले को ही फॉलो करना है। तो देखा आप सभी ने मैंने किस तरह इतनी जल्दी को लाइंस को फॉलो करके मेट्रो चेंज कर लिया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया मंडी हाउस में वॉलेट लाइन में चेंज करके। अब मैं यहाँ आया हूँ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन और यहाँ मुझे कुछ काम था, आगे आप सभी को पता चल जाएगा ब्लॉग में। अब यहाँ पर जो है मुझे वॉलेट लाइन से येलो लाइन में चेंज करना है, तो सोचा मैंने उस ब्लॉग में ये भी जोड़ दूँ और आपसे भी दिखा दूँ कि मैं अभी कैसे चेंज करता हूँ ये वॉलेट लाइन से येलो लाइन में। तो आइए चेंज करते हैं। तो अभी जो है मैं इधर से आया हूँ प्लेटफॉर्म से और हमें येलो लाइन चेंज करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है कि येलो लाइन के खिलाफ सभी इधर जाना है, तो बस हमें उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है और चलते रहेंगे। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये है केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल, भाई मुझे नहीं बोला जाएगा जो आगे बोलते हैं उसको सेंट्रल सेंट्रिस्ट ऐसे कुछ। इस मेट्रो स्टेशन का नाम बताइए क्या है? केंद्रीय सचिवालय। अब इंग्लिश में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सेंट्रल, भाई मेरे को बोला नहीं जाएगा सेंट्रल जो भी है भाई, केंद्रीय सचिवालय बोलते हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ से जो है अभी हम जा रहे हैं हुड्डे सिटी सेंटर की तरफ जो कि येलो लाइन का एंड वाला मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद तो गुड़गांव वाला चालू रहता है। तो मेट्रो लगी है, चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और आज के बाद आप सभी को मेट्रो में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट जरूर पूछेगा, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली है। ओके भाई, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखें।